हेलो स्टूडेंट वेलकम ऑन सेगैन बच्चों इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज सेवन डी का जो ट्वेंटी फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है इसे सॉल्व करना सीखेंगे देखो तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है आराम कि सुनीता ने परचेज किया फाइव के जी और सेवेंटी फाइव ग्राम फ्रूट और थ्री के जी फोर हंड्रेड सिक्सटी फाइव ग्राम वेजिटेबल ठीक है इतना इतना उन्होंने फ्रूट और वेजिटेबल खरीदे हैं और उन्होंने पुट कर दिया क्या उन दोनों सामान को एक बैग में इफ दिस बैग विद दिस कंटेंट्स वेट नाइन के जी यानी कि ये जो बैग का जो एक्चुअल में कैपेसिटी है ना वो कितना है नाइन के जी का है तो फाइंड द वेट ऑफ द इम्पटी बैग तो आपको यह पता करना है कि जो बचा हुआ जगह है वो कितना बचा है समझ में आया क्या बोला जा रहा है चलो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए तो देखो सबसे पहले तो हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसमें ध्यान मत दो आप डायग्राम में ध्यान दो क्या है ना कि एक सुनीता के पास एक बैग है थैला जिसको हम लोग बोलते हैं ना मान लो उस टाइप से एक थैला है उनके पास कैरी बैग है उसमें वो सब्जी वगैरह ले रही हैं अब इस बैग का जो टोटल कैपेसिटी है वो कितना है नाइन के का है यानी कि इसमें हम लोग टोटल नाइन के सामान को रख सकते हैं लेकिन सुनीता ने जो फ्रूट लिया है वो लगभग फाइव के और सेवेंटी ग्राम है ठीक है और उन्होंने जो वेजिटेबल्स लिए हैं वो थ्री के और फोर ग्राम है यानी वो जो है इतना में आ जाएगा वो बैग में ठीक है मान लो इतना में फ्रूट आ गया और इतना में उनका वेजिटेबल आ गया तो कुछ जगह तो बच जाएगा तो हमसे यही पूछ रहा है कि जो है न, जो बैग है ना खाली जगह है ना उसमें हम लोग और कितना सामान भर सकते हैं वो कितने के के लिए जगह खाली है ये हमसे पूछा जा रहा है समझ में आया तो इसको निकालने का सिंपल तरीका क्या है कि हम दोनों को आपस में ऐड कर दें ये दोनों सब्जियों को यानी सब्जी और फल को तो हमको पता चल जाएगा कि टोटल उन्होंने कितना सामान खरीदा है ठीक है तो जब हम लोग टोटल पता चल जाएगा तो हम लोग में से उसको माइनस कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि वहां पर एक्चुअल में जो जगह बचा है वो कितना है

क्योंकि वन के जी में वन थाउजेंड ग्राम्स होते हैं ये ध्यान रखना तो इसको हम लोग जब कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल तरीका है सेवन और फाइव को आप ऐसे ही उतार दो यहां पर दिख रहा है ना आई ये आप कुछ दिख रहा होगा सेवन और फाइव को आप उतार दीजिए उसके बाद नीचे देखिए कितने जीरो है तो नीचे हमारे पास वन टू और थ्री जीरो है तो पहले तो वन जीरो की वजह से डेसिमल यहां पर लगता दूसरे वाले जीरो की वजह से डेसिमल यहां पर लगता लेकिन एक जीरो और है तो हमको क्या करना पड़ेगा तीन डिजिट बनाना पड़ेगा उसके बाद डेसिमल लगेगा क्योंकि रूल यही है कि नीचे जितना जीरो रहे उतने ही जीरो के बाद यानी उतने ही डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है तो मैं यहाँ पर लेफ्ट में एक जीरो बढ़ा देता हूँ तो ये वन टू और थ्री डिजिट बन गया अब यहाँ पर हम लोग डेसिमल लगा सकते हैं तो ये मेरा फाइव के जी और प्लस में जीरो पॉइंट सेवन फाइव ग्राम हो जाएगा इसको मैं यहाँ पर साइड में सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ ठीक है तो ये मेरा फाइव के जी हो गया तो फाइव में हम लोग प्लस कर देंगे जीरो पॉइंट जीरो सेवन फाइव ये हमारा अब क्या हो गया के जी हो गया देखो पॉइंट के बाद जीरो सेवन फाइव था ना तो पॉइंट की इधर कुछ नहीं तो उसको आप जीरो लिख सकते हो तो फाइव में जीरो ऐड होगा तो फाइव ही आ जाएगा और ये हो जाएगा जीरो सेवन फाइव यानी इतना टोटल जो है ना इतना के जी उनके पास सामान है कौन सा फ्रूट वाला तो अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे के जी में तो ये मेरा निकल जाएगा फाइव पॉइंट में जीरो सेवन फाइव और ये अब हमारा के जी में हो गया है ये ध्यान रखना उसी तरीके से नीचे वाला कर लो तो हम लोग जानते ही हैं कि हमको इसको जब थाउजेंड से हम लोग डिवाइड देंगे तो नीचे में हमारा तीन जीरो आ जाएगा तो तीन जीरो की वजह से डेसिमल यहाँ पर लग जाएगा ठीक है तो ये मेरा बन जाएगा थ्री के जी और फोर सिक्स फाइव ग्राम यानी कि इस तरीके से हम इसको के जी में जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे थ्री पॉइंट फोर सिक्स फाइव क्लियर है ये चीज़ दोनों को हमने क्या किया ग्राम वगैरह को के में कन्वर्ट करके अब दोनों को आप क्या करो आपस में ऐड कर दो ठीक है तो ऐड के लिए आप प्लस ये साइन भी लगा सकते हो टोटल वैसे मैंने लिखी दिया है तो ये हो जाएगा मेरा फाइव और फाइव टेन का जीरो कैरी हो जाएगा वन तो ये भी वन और सिक्स सेवन और सेवन हो जाएगा फोर्टीन का फोर कैरी हो गया वन तो फोर और वन हो गया फाइव डेसीमन लगा लेते हैं फाइव और थ्री हो जाएगा एट यानी टोटल जो उनके पास सामान है वो एट पॉइंट में फाइव फोर ज़ीरो के जी है ठीक है अब हमको पता है कि बैग की जो कैपेसिटी है सिंपल आप लिखो बैग्स कैपेसिटी ठीक है पैक की जो कैपेसिटी है वो कितनी है वो उसमें लोड लेने की कैपेसिटी है नाइन के की तो नाइन के को आप नाइन पॉइंट देखो अब यहाँ पर डेसिमल के बाद हमारे पास थ्री डिजिट आ गए हैं तो नाइन पॉइंट जीरो 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 के लिखो इसको ऐसे हम लोग आपस में सपरेट कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में भी समझाया था कि डेसिमल में से डेसिमल नंबर को सपरेट किया जा सकता है केवल आप यहाँ पर अगर नाइन लिखोगे इसमें से इसको सपरेट करने जाओगे तो गलत हो जाएगा तो इसको नाइन पॉइंट जीरो 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 कर दो डेसिमल के बाद कितना जीरो लगा लो उससे उसकी वैल्यू में चेंज नहीं होता है क्योंकि यहां पर थ्री डिजिट था तो इसको भी हमने थ्री डिजिट कर दिया ताकि दोनों लाइक like डेसिमल बन जाए अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर उसका जो पता हम लोग लास्ट में क्या बोले गए थे क्वेश्चन में कि फाइंड द वेट ऑफ इम्पटी बैग तो यहाँ पर आप लिखो वेट ऑफ इम्पटी बैग ठीक है जो तो खाली जगह है वो कितना है तो इसके लिए सिंपल हम लोग इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो नाइन पॉइंट जीरो 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 में से सब कर दो एट पॉइंट फाइव फोर जीरो को तो ये तो मेरा हो जाएगा जीरो में जीरो माइनस होकर के जीरो ये जीरो में से फोर माइनस नहीं हो सकता बगल वाले के पास जाएगा इसके पास भी कुछ नहीं है दोनों इसके पास जाएंगे ये अपना वन इधर देकर के टेन बना देगा तो टेन अपना वन इधर देकर के खुद नाइन बन जाएगा लास्ट वाले को टेन बना देगा तो टेन में से अब फोर माइनस हो तो सिक्स आ गया ये हमारा अब यहाँ पर कितना नाइन बचा है नाइन में से फाइव माइनस होगा तो फोर आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पर डेसिमल की इधर देखो हमारे पास एट बचा है तो एट में से एट माइनस हो तो जीरो आ गया तो इसको आप इस तरीके से के में भी लिख सकते हो देखो इसको आप दो तीन तरीके से लिख सकते हो और सभी तरीके सही होंगे गलत कोई भी नहीं खिलाएगा इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा इसको आप एक्चुअल में अगर यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद जब लास्ट में जीरो आता है ना तो उसको लिखना ज़रूरी नहीं रहता है उसको आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते तो इसको आप जीरो आप फोर सिक्स के जी भी लिख सकते हो इस तरीके से भी अगर आपको ग्राम में लिखना चाहिए ग्राम लिखने के लिए आपको टीचर बोले तो इसका आप फोर हंड्रेड सिक्सटी ग्राम्स भी लिख सकते हो क्योंकि देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने हैं वन टू थ्री डिजिट है और यही तो ग्राम वाला होता है जैसे हमने इधर किया था तो बस ये इतना ही क्या होगा ये ग्राम हो जाएगा तो ऐसे भी आप लिख सकते हो ऐसे ही लिखो ऐसे लिखो, लिखो या ऐसे लिखो तीनों सही कहलाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है तो आई होप आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में यहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं ना उनको भी मैं आपको इसी तरीके से सिंपल मैथड में समझा दूंगा Thank you for watching!